नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरोगा का फॉर्म निकला था, निकला हुआ है, मेंस निकल गया तो इसका। अच्छा, मेंस निकल गया आप लोगों का, तो यहां किस में आप करती हैं, किस कोचिंग में? अचंबा फिजिकल एकेडमी। अचंबा में करती है, तो क्या क्या यहां सिखाया जाता है, किस तरह? यहां सब कुछ, रनिंग आपका, पीटी, उसके बाद लॉन्ग जम्प, हाई जम्प, शॉर्ट पुट, सब कुछ। सब कुछ सीख लिया है आपको? तो एक लड़कियों को फिजिकल इतना करने में होता है, तो घर में खाना बनाती हैं, घर में गेस्ट, आप लोग को इतना सुबह से देख रहे हैं कि कड़ी धूप में? नहीं, फैमिली भी जब सपोर्ट करती है, फैमिली घर में सपोर्ट करती है, फिर यहाँ हम लोग तभी ना आ पाते हैं हम यहाँ पे। दरभंगा जिला का अलपट्टी। अच्छा, तो आपका क्या, आपने क्या पास किया है और कैसे पास किया? बिहार SI। मैं यहीं पर अचंबा अकेडमी में तैयारी की, ज़्यादा दिन नहीं, 15 दिन, लगभग 15 दिन, और इसी में सारा कुछ अच्छे से हो गया। फिजिकल में रनिंग था और हाई जंप, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट था। और रिटर्न में आपने कहाँ से किया? रिटर्न का मैंने यूट्यूब से प्रेफर किया और सेल्फ स्टडी, बस। तो क्या क्या पास किए हैं आप, क्या बाकी? PT, मेंस और फिजिकल। अब क्या बाकी रह गया है? और बस मेरिट आना बाकी है। बेटा, तो आप क्या कहना चाहेंगे खासकर लड़कियों को? ये बहुत एकदम बहुत ज़्यादा समझे होता है कि घर से बाहर निकलना, फिर घर में काम करना, तो आप घर से बाहर निकल के ये काम करते हैं, क्या संदेश देंगे? यही कि मतलब हिम्मत रखे, वहाँ पे थोड़ा सा डर तो फील होगा, बट सब कुछ अच्छे से हो जाएगा वहाँ पे, सारा कुछ। जब डर ना फील करे, इसके लिए अच्छे से हो जाएगा। दरोगा बनेंगी तब आपको लड़ना पड़ेगा अपराधियों से, नशेरियों से, तो कैसे आप लड़ पाएंगे? उतना फिजिकल आपको ट्रेनिंग मिल चुका है? हाँ जी, और जो कुछ बाकी है वो ट्रेनिंग सेंटर में, वहाँ ट्रेनिंग दिया जाएगा तो वो हो जाएगा। अच्छा, एक युवाओं को क्या कहना चाहते हैं कि आजकल के युवा जो कम उम्र के हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पर सब हैं, ये दिन रात मेहनत करके पसीना बहाते हैं, और कितने ऐसे हैं जो शराब नशा में अपना जो महत्वपूर्ण एज होता है वो खो देते हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपने लक्ष्य के तरफ फोकस करें, क्योंकि अगर जब तक कोई लक्ष्य नहीं फोकस करेगा तो वो भटकेगा ही, तो पहले अपना एक लक्ष्य बनाए, फिर उस लक्ष्य के तरफ फोकस करें, तो उसको वो पाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपने इनको किस तरह प्रशिक्षित किया कि आज ये इस मुकाम पर पहुँच गए? जी, जैसे मैंने अपना रास्ता जिस तरह से देखा है उस तरह से अपना रास्ता अपनाए और मेहनत करके पास करके यहाँ मेरे पास पहुँचे हैं, आगे तो जो सारा डिटेल्स दे ही दिए हैं। अच्छा मुकेश जी, एक चीज़ बताइए कि आप भी देखते होंगे, सब देखता है कि 18 से 22 साल का युवा कहीं ना कहीं भटक जाता है, अब अधिकतर देखिएगा नशा में है, कहीं भूमाफिया के पीछे है, कोई नेता के पीछे घूम रहा है, कहीं कहीं सब घूम रहा है, कोई नौकरी की तैयारी करता है तो 22-23 के बाद ही उसका आकलन हम करें जी। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि ये छोड़ करके मुख्य धारा में आकर के जुटे, क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो जो ऐसा काम कर रहा है उसे नहीं फंसना चाहिए, अपना निश्चित रास्ता पर ध्यान देना चाहिए, इससे ज़्यादा बेहतर तो कुछ है नहीं। तो हम बता दें कि हम उन तमाम युवाओं को भी कहना चाहते हैं जो आज भटक गए हैं 18 से 22, यानी कि कहा जाता है कि जब 10-12वीं के बाद ही वो भटक जाते हैं, इस परिस्थिति में ये युवाओं को सोचना चाहिए कि वो कभी भी नशेरियों के पीछे, भूमाफियाओं के पीछे, अपराधियों के पीछे, क्योंकि एक बड़ा गैंग है जो युवाओं को ग्रैब करता है और वो उसको इस्तेमाल करता है मर्डर करने में, किसी को मारपीट करने में, ज़मीन लुटवाने में, इस तरह का काम करता है। ऐसी परिस्थिति में युवाओं को सोचना चाहिए जो 18 से 22 के हैं खासकर, जिसके लिए सरकार सेना में बहाली के लिए आज नियुक्ति निकाली है, तो इन परिस्थिति में आप राजनीतिक दल के नेताओं के पीछे, आप उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, इससे आपका जीवन और करियर नहीं बनेगा। निश्चित तौर पर आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आपका परिवार है, आपका समाज है और आपका देश है। आप अपने भविष्य को तय करने के लिए कभी भी गलत रास्ते पर ना जाए, और इस तरह फिजिकल प्रैक्टिस करने वाले, दिन रात खून बहाने वाले युवाओं को देखें तो आपको भी उत्साहित महसूस होगा कि आप इस तरह युवाओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अपने परिवार, समाज और देश की रक्षा कर सकते हैं। एक बार दिल पर हाथ रखकर आवाज सोचिएगा, फिर उन अपराधियों के पीछे, नशेड़ियों के पीछे जाएगा, क्योंकि वहाँ आपकी मौत निश्चित है लेकिन यहाँ आपका कैरियर निश्चित है। धन्यवाद।